राम राम सा नमस्कार, मैं राजेंद्र निवाणा और थे देख रहे छो राजू का सफरनामा। दोस्तों थे MBBS चायाणो तो इंटरनेट पर खूब देखे होला, लेकिन आज मैं था न दिखा रही हूँ MBBS चायाणो। और MBBS चायाणो से कुचावन सिटी नागौर में, तो मैं इंडिकर जा रहा था रोड पर सू तो एकदम सू मैंने MBBS चायाणो लिखेड़ो दिखियो, तो मैं रुक गा। तो आओ आप बात करा सा और मिला सा MBBS चायाणा से। राम राम जी, सबसे पहले तो मानिए बताओ कि मैं तो ये रास्ता सु जा रहा था अचानक और इंडे थे MBBS टी वाला लिख मिला सो बिल्कुल अंग्रेजी में, तो वो कहीं से मतलब मैं MBA चायड़ो तो सुने था लेकिन MBBS चायड़ो थे पहले MBBS करियो डा चोगी? नहीं साहब, MBBS कौन करियो? अच्छा, ये मतलब MBBS कौन करियो डा? तो फिर वो नाम, यो नाम कोई मेरी दूसरी डिग्रियां हैं उनको मिला करके मैंने बनाया है, ये पर्सनल ब्रांड बनाया है मैंने। मैं मतलब MA बीएड हूँ, तो उन सब डिग्रियों का एक एक अक्षर लेकर मैंने इसको ब्रांड बना लिया। जैसे M का मतलब है MA, BA, बीएड और संदीप आगे मेरा नाम है, सबका एक एक अक्षर लेकर के मैंने पर्सनल ब्रांड बना लिया, भाई थोड़ा यूनिक लगे। अच्छा सारी डिग्री को ऐसे लिखूंगा तो लंबा हो जाएगा ना, इसलिए मैंने एक एक अक्षर लेकर के जैसे MBA वाले ने बनाया था ना उसी हिसाब से। तो इसका मेडिकल वाले MBA से कोई मतलब MBBS से कोई अच्छा मतलब बी जो डॉक्टर वाले MBBS से बी से कोई मतलब नहीं, उससे कोई लेना देना। ये एक अलग नाम क्रिएट करया छे MBBS चायाणो है ना, आई से। तो अब तक को परिचय बताओ था को नाम का? ये संदीप नाम है मेरा, संदीप चौधरी। संदीप चौधरी हाँ, और मैं झुंझुनू जिले में उदयपुरवाटी के रहने वाला हूँ और यहाँ ये नया चाय का बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने। अच्छा था ना, कतराज दिन होगा? 6 महीने हुए हैं। 6 महीने हुए हाँ। तो ये बताओ कि था कि चाय में कहीं स्पेशल से? देखो साहब, यहाँ चाय मैंने बनाने से पहले मैंने रिसर्च किया था पूरे सिटी में कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो नया हो। अच्छा, तो ये नॉर्मल चाय तो सब जगह मिलती है, 5 रुपये वाली 7 रुपये वाली, लेकिन फ्लेवर की चाय यहाँ कहीं भी नहीं थी। अच्छा, बड़ी होटलों को अलावा, मतलब होटलों में तो बने गया लेकिन जनरल पब्लिक के लिए कहीं भी नहीं मिलती थी। अच्छा, अच्छा, तो ये मैं फ्लेवर की चाय बनाता हूँ 10-12 प्रकार की। अच्छा, फ्लेवर 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 की चाय के लिए कहीं कहीं नाम आप? जैसे मतलब चॉकलेट चाय है, चॉकलेट चाय है, पान चाय है, रोज चाय है, मतलब और बहुत सारी मसाला चाय है, कुल्हड़ चाय है, मतलब शुगर फ्री है, बादाम की है, काजू की है। अच्छा, शुगर फ्री चाय भी बचे? हाँ, शुगर फ्री चाय भी, मतलब मीठो शुगर फ्री डाले लो भी। हाँ, जिसको चीनी नहीं चाहिए बिल्कुल। अच्छा, फीकी चाय पीना चाहिए। अच्छा, बिना दे शुगर फ्री के जो फीकी चाय था, देखो अभी एक बढ़िया बात है। और भाई जी, क्योंकि MA बीएड जी तो शुगर फ्री चाय बिना नाम दिया जिन्हें आप फीकी चाय खाचा, तो बिजनेस को वही तरीकों से कि थे बिना अलग तरीका से पेश करो। हाँ, क्योंकि मेरा हिसाब से चाय तो चाय ही रह ली। हाँ, अगर चाय में थे और क्यों मिला दिया तो वो तो प्रोडक्ट ही दूसरा होगा, तो चाय तो दूसरी वे कौन से गए, लेकिन भी की स्टाइल दूसरी हो सके जब बढ़ावा की। मैं सही कह रही हूँ? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो देखो आप बिल्कुल मतलब नई बात लगी। हाँ, अच्छा ये बताओ कि कोई फेमस लोग भी था जी? 6 महीना में कोई आया कि माँ किसी ने एकदम से कोई कोतूहल रुका भी? जैसे मतलब डॉक्टर इंजीनियर ज्यादातर आते हैं मेडिकल वाले भी। अच्छा, कोई मेडिकल करने वाले हैं। हाँ, कोई जा रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ज्यादातर मतलब पढ़े लिखे मेरे पास आते हैं, जैसे मतलब रुक जाते हैं, बिजनेसमैन हैं, पढ़ने वाले लड़के लड़के हैं, तो वो जो जानना चाहते हैं ना कि भाई MBBS क्या हुआ, मतलब यहाँ क्यों कर रहे हैं, इसको जानने के लिए आते हैं, वो चाय भी पीते हैं और मुझे मतलब प्रमोट भी करते हैं। अच्छा जी, एक आम तौर पर जो आप बात करा था कि जो MBBS कर लीजिए या तो वो मास्टर की तैयारी कर लो या कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, तो थे MBBS कर और चाय को प्लान किया करें, वो भी एक ठेला पर बेच पाओ? देखो सर, मैंने ये MBBS किया है, जैसे सबके परिवारों में होता है वैसे ही हमारे भी परिवारों में ऐसी नौकरी के लिए भागदौड़ कर रहे थे, लेकिन मेरा बचपन से ही एक मतलब बिजनेस में रुचि थी मेरी। अच्छा, कोई ना कोई बिजनेस करेंगे। जैसे मैं ऐसे सोचता था कि मतलब एक गरीब आदमी 12 घंटे मतलब काम करके भी, 10 घंटे काम करके अपना घर नहीं चला पाता है, क्योंकि बड़े बड़े जो करोड़पति अरबपति होते हैं ऐसा क्या करते हैं कि वो लाखों करोड़ रुपये कमा लेते हैं। तो मैं भी कुछ ऐसा करूँ। डिग्रियां तो मैंने सिर्फ ऐसे लिए कि भाई अपना मतलब विकास हो जाएगा। हाँ, लेकिन मेरा मतलब अंदर से ऐसा कुछ करने का था कि कोई अलग करेंगे तो अपना बड़ा बिजनेस तो साधारण आदमी कैसे कर सकता है। और चाय को मैंने इसलिए चुना है कि लगभग 95% मतलब व्यक्तियों को जोड़ती है। अच्छा, हर घर में लगभग एक दूसरे को छोड़ करके सब चाय पीते हैं। मतलब ये मानसिक अजगी थे कोई मजबूरी या हार वो काम शुरू करते हैं? नहीं, बड़ी प्रबल इच्छा से काम करने की इच्छा। हाँ, अच्छा थे जी, एक MBA चाय और इंटरनेट पर खूब वायरल से। हाँ, तो बी का बारे में भी सुने चोगे? हाँ बिल्कुल, सुना है उसको, पढ़ा भी है, देखा है मैंने उसका बहुत सारा। अच्छा, बीसू इंस्पायर हुए एरिया के रहो या कहीं खुला थे? देखो इंस्पायर तो क्या है, मैं जब मतलब इसके बारे में रिसर्च करता कर रहा था ना, तो उनके बारे में उसके बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं, और एक वो चाय छोटा बार वाले हैं उनको भी मैंने देखा है, बहुत सारे जो फेमस हैं उनको देखा है, तो उनसे भी मैंने सीखा है बहुत कुछ कि मतलब उन्होंने जैसे बताया कि आप जो भी कुछ करना चाहते हो तो ज़्यादा प्लान मत बनाओ, स्टार्ट कर दो। अच्छा, जैसे उसने भी रेडी से शुरुआत किया था अहमदाबाद में,
तो अहमदाबाद में 8,000 में कैसे भी किया होगा। तो आप प्लान सभी बनाते हैं, यूट्यूब में देख लेते हैं, मोटिवेशन स्पीकरों को देख लेते हैं, लेकिन प्लान करते करते ही रह जाते हैं, कई साल निकल जाते हैं, लेकिन मतलब कुछ करने की हिम्मत नहीं करते कि समाज क्या कहेगा। जैसे मैं MBA कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, अब मैं ठेला थोड़ा चलाऊँ, ये ट्राई करूँ, लेकिन तुरंत कर दो कुछ भी। अच्छा, जो और ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब लाखों करोड़ रुपया होगा ही कोई बिजनेस शुरू होगा। अब मैंने तो ये सीखा है कि मैं 100 रुपये से बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। बस सर हमको निकाल दो, क्योंकि हम कोई किसी को डाका थोड़े डाल रहे हैं। टमाटर खाने में कोई शर्म नहीं है, कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं है, सभी बिजनेस, बस हम अपने मन की सोच है। तो अपनी सोच बदलो, और सोच बदलने के बाद में जो भी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इसकी देखा देखी से ये नहीं करना कि एक चाय का कर रहा है तो मैं भी चाय का करूँ। हर इंसान की किसी चीज़ में कोई रुचि होती है, आप अपनी रुचि पहचानो कि आप सब्जी का करोगे, फल का करोगे, कपड़े का करोगे, जो भी लगे आप आराम से एक नौकरी वाले से 10 गुना पैसा कमा सकते हैं। बस 2-4 साल लगेंगे इसमें, और आपको 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, लेकिन संघर्ष जारी रखो, एक ना एक दिन आपका आएगा। अगर आपने संघर्ष करने की क्षमता है तो टिके रहो, दुनिया पता नहीं क्या क्या बोलेगी, इनको सबको निकाल दो, किसी की परवाह मत करो। आपने बहुत ही बढ़िया बात बताया कि बिजनेस करवाटे लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत को ने, जो आपा सोचा था कि बिजनेस में बढ़वाटे लाखों करोड़ों रुपए बढ़ना चाहिए, आपा बहुत कम पैसा में भी खुद को बिजनेस शुरू कर सका था, और ये चाय का ठेला ने भी आपा बिजनेस ही खाला, क्यों जी? हाँ। अच्छा, तो संदीप जी मैं ये बताओ कि जी थे तो चाय को ठेलो लगा लिया, बाकी सब युवा से जो पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे थे, तो बेकाई गरीब है अब बाकी लिए कहीं के बचाओ जो। देखो, उनके लिए मेरे को तो मेरी तो यही सलाह है कि सरकारी नौकरी करो या कोई भी नौकरी करो, लेकिन अब सरकारी नौकरी सबको तो मिलेगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट, कोई सी भी गवर्नमेंट इतनी सबको दे नहीं सकती, इतनी जनसंख्या है। तो जिनको जाना है तो एक दो कंपटीशन देकर देख लो, एक साल देख लो, 2 साल देख लो, लेकिन उसके लिए 5-10 साल बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद में आप शर्म निकाल दो, चाहे आपके पास डिग्रियां कितनी भी हैं, चाहे एमए बीएड हो या इंजीनियरिंग की हो, कुछ भी हो, चाहे एमबीबीएस हो, आप शर्म निकाल दो, क्योंकि शर्म शर्म में आपको कोई भी पैसा नहीं देगा, जिंदगी ऐसी पूरी हो जाएगी। आप बिजनेस करो, कोई भी बिजनेस, आपके पास पैसा, आप ज़्यादातर कहते हैं पैसा नहीं है, मैं कहता हूँ हर युवा के पास 20,000 का मोबाइल जेब में रहता है, इसका मतलब पैसा तो है, पैसा है, और उसी 5,000 में बिजनेस शुरू होता है। सड़क के किनारे लेकर बैठ जाओ ना, सब्जी बेचो 100 रुपये की, उसको 200 करो, ऐसे ही 20,000 रुपये तो हर कोई कर सकता है। अच्छा, मथा ने बीच में टोकूं जी, आप आपा थड़ी की कोस्ट करा, तो थे 17,000 में बिजनेस शुरू करिया। देखो, मैंने तो मेरे दोस्त से किसी उधारा लिया था, ये 60,000 रुपये मैंने बनाया है ये। अच्छा। ये यहीं पर मैंने किसे बनवाया था, क्योंकि दुकान लेने का मेरे पास बजट नहीं था, क्योंकि 10,000 रुपये से नीचे दुकान नहीं मिलती, तो मैं कर्जा लेकर क्यों टेंशन में हूँ। इससे अच्छा है कि मैंने कोई अपराध तो कर नहीं रहा ना, तो मैंने ये बना लिया, ये अब इसमें जैसे जैसे बिजनेस ग्रोथ करेगा, मैं बड़ा मेरा कैफे टाइप खोल दूंगा, और फिर इसको ब्रांड में बनाया है, इसकी ब्रांड बना करके मैं इसकी फ्रेंचाइजी पूरे देश में देना चाहता हूँ। ओहो, देखो भाई जी की कितनी बड़ी सोच से, जो आपा आम तौर पर बना चुका हूँ मैं पूरे देश में। अच्छा, बोलूंगा पूरे देश में इसकी ब्रांड से फ्रेंचाइज सिस्टम करूंगा, और फिलहाल मैं इसको, अब कितना साल लगे तो मैं बता नहीं सकता, 2-4 साल का संघर्ष है, फिर यहाँ बड़ा कैफे खोल करके इसकी, मेरे स्तर पर जितनी खुलेंगी तो अलग अलग जिलों में मैं खोल दूंगा, और जो फ्रेंचाइजी लेना चाहता है उसको फ्रेंचाइज दे दूंगा। देखो आज है मतलब जोश की बात, मैं भी जोश आगो सुन, चाय तो खैर मैं पी वाला का शीख से, लेकिन भाई जी की बाता में जरूर जोश आगो, अब चाय में तो खैर मैं बार देखा ला कि कतरो जोश आ जाए, लेकिन जी साहब सुबाई जी जी कॉन्फिडेंस के साथ बात करे जी, मने लागे जे कि चाय में भी बिल्कुल दम हुए लो, और मने बड़ी खुशी मिली, क्योंकि आजकल युवा, आज रीट लाग रही जे, आज पेपर आउट हो गो, आप भी मतलब पूरी मतलब आपकी जवानी खत्म कर रहे थी, तो बाकी लिए वो बढ़िया उदाहरण से जोश देकर मने बड़ी पर्सनल खुशी मिल रही है। चौधरी जी, मैंने एक बात बताओ कि वो थे ठेलो तो शुरू कर दिया, तो पहले ये बताओ था, तो ब्याह भी उड़ो से कौन? हाँ, ब्याह भी उड़ो से, तो था कि बीननीर सासराला आ रही है, कौन किया कि भाई यार इतना फटली कर भी वो ठेलो का ही चालू कर दिया? देखो सर, बात ये है, सबको तो बताने की जरूरत नहीं है कि आप कुछ भी करोगे तो आपका साथ, अगर नया कुछ भी कर रहे हैं तो एक दो व्यक्ति साथ देगा, या हो सकता है कोई भी नहीं देगा, लेकिन आप सफल हो जाएंगे तो सारी दुनिया साथ देगी। बिल्कुल। तो इसमें मेरी वाइफ तो मेरे साथ है। अच्छा। वो तो ऐसे बोलती है कि आप कुछ भी करो इस संसार में, चाहे कोई भी काम कर लो, लेकिन इलीगल काम मत करना। अच्छा। इसके लिए हमें नीचा झुकना पड़े, और कमा कर खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ तो। और मैं तो ये घिरे चुकी जी आखिरी बात सु, मैंने पता लगा, क्योंकि आपा अगर 100 रुपये को भी काम करा या थड़ी लगा लिया, कोई ठेलो लगा लिया, तो बिना आपा ये देखा कि मेरी रेडी से या मेरा ठेलो से, वो मेरे बिजनेस से, भले ही 100 रुपये को है, 1 लाख को है, लेकिन वो बिजनेस से, तो ये भी करा नहीं, ये खेरा हुई कि मैं मेरा बिजनेस पर जा रही हूँ, भले ही छोटी एक रेडी है, तो माँ के लिए गर्मा गर्म चाय भी बना दिया, और कुर्सी बढ़ाओ ना, ये बताओ चॉकलेट फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, तो आज है माने चॉकलेट फ्लेवर पिला वाला से,
और फिर थाने टेस्ट कर बतावा जाए कि कसोक लागे। तो पढ़ाओ देखो, आज मैं पी रहा था चॉकलेट चाय। भैया खैर था ना, बता दियो, ये बता तो ही चाय तो मैं पीऊँ बोले, लेकिन भाई जी की MBBS चाय पीर देख पाओ मेरे पूरे बच्चे, और मैं आज पी रही चॉकलेट चाय। और राकू जी ले लिए जी दो, एक साथ दो। भाई विद्या की सोगन बहुत ही गजब की से चाय, कद भी आओ कुछ अमन भाई जी की चाय जरूर पी जाए। MBBS चाय देखो, MBBS आना आज तक थे ग्लूकोज रे सुईर इंजेक्शन एक हाथ तार पीता तो देखा होला, लेकिन चाय आज पी रहे चाय खुशबू भी आ रही है चॉकलेट की और स्वाद भी आ रही है चॉकलेट, तो थे पीसे को जो वाकई बढ़िया से चाय। हाँ कोई बड़ा सा शोरूम में जाए लगभग 250-300 की फुल है ना। हाँ बिल्कुल जी, बड़ी बड़ी होटल अब तो बिकती है महंगी भाई जी। एक फ्रेंचाइजी अपन भी दीजिए। और राकू जी फ्रेंचाइजी देवा को ऑर्डर दे दिया जी तुरंत ही, अभी जयपुर में खोलो ना किंडे जयपुर जिला की लूनो में पूरा जयपुर जिला की फ्रेंचाइजी ले रहे थी भाई जी। मैं टमाटर ले चलो यार, ले चला गए ठंडी हो जाएगी, ताती तो करनी पड़े ली उठा कड़म में चलो थोड़ो थोड़ो जाएगी पूरी मगाल दीजो। बोल भाई बनवारी, अब तो पास हो जाऊं लो। देखो आपको ये चाय ही नहीं, आपकी थड़ी भी बहुत माने स्पेशल लगी, और थड़ी पर चेरी में बहुत ही शानदार कोटेशन लिख मिले थे पापा देखा था। देखो सर, मैं आपकी सबसे कीमती संपत्ति है जी।